क्शन यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर तो वैसे यहाँ पे हम पहले एन लिखेंगे फिर हम कम करेंगे कमिटी बनाना किससे कमिटी दोस्तों फाइव लोगों से बनने वाला है तो बचे कितने अगर मैंने दो ले लिया दोस्तों प्रदीप वीर अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम नेक्स्ट पार्ट लेने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड है कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा पार्ट हम कवर करेंगे और इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने परमिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया और बाकी के बहुत सारे लेशन भी हमने कवर किए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी फटाफट आप देख सकते हो और जितना हो सके इस वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और जरूर मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कंटेंट लेकर आता रहूंगा तो दोस्तों कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले हम बेसिक एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या है तो दोस्तों परमुटेशन में क्या होता है कि हम अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों सिलेक्शन करते हैं कि हमें सिलेक्शन यहाँ पे ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों यहां पे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता अगर सपोज यहां पे कोई नंबर है वन और थ्री यहां पे दोस्तों थ्री और वन है यहां पे कुछ मायने नहीं रखता कि ये वन और थ्री है कि थ्री और वन है बस यहां पे सिलेक्ट होना चाहिए पर यहां पे दोस्तों वन और थ्री और थ्री और वन अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है तो यहां पे इस वाले पार्ट में ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है कौन फर्स्ट पे कौन सेकेंड पे कौन थर्ड पे और यहां पर क्या है दोस्तों बस सिलेक्ट करना है तो अभी हम सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी सम्स आपको दिखाई देगा समझ जाना वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है अब आपको दोस्तों यहां पे परमोटेशन से रिलेटेड आपको आपने फॉर्मुला पढ़ा

तो आपको ये सॉल्व करना है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे दोस्तों ये देखो फाइव को आपको क्या करना है टू कदम उल्टा जाना है मतलब यहां पे आप फाइव लोगे और यहां पे क्या लोगे दोस्तों फोर और यहां पे वन से स्टार्ट करोगे वन इंटू टू ये इसको इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे यहां पे नाइन सी यहां पे दोस्तों थ्री है तो आप क्या करोगे दोस्तों नाइन मल्टीप्लाई बाय उल्टा कितना कदम जाना है एट मल्टीप्लाई बाय सेवन थ्री कदम और यहां वन से स्टार्ट करना है वन टू थ्री आपको जो आंसर मिलेगा सेम टू से भी मिलेगा फैक्टोरियल तो N N मतलब फिर यहां पे क्या है दोस्तों टू फैक्टोरियल मतलब और यहां पे एन माइनस आर एन माइनस मतलब फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा दोस्तों फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल अगर मैं सभी को सॉल्व करता हूं तो ये क्या फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल और यहां पे ये टू फैक्टोरियल है और यहां ये थ्री फैक्टोरियल है थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो फाइनली दोस्तों फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर नीचे क्या है वन मल्टीप्लाई बाय टू फाइनली अगर मैं इसे टू वन जार टू टू जा तो फाइनली यहां पे आंसर कितना है टेन सेम अगर आप यहां पे भी सॉल्व कर रहे हैं टू वन जार टू टू जा तो फाइनली यहां पे भी आंसर कितना है दोस्तों टेन तो, तो दोनों से ही आंसर सेम आता है बट मैंने ये जो तरीका बताया इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए जिससे आप अपने कॉम्बिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे जैसे मैंने परमोटेशन में भी आपको कोई तरीका बताया प्लीज कंफ्यूज मत होना अब चलो वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं देखो पहला बेसिक क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए पर अगर इनकेस पूछा जाए तो आपको दिक्कत भी ना हो अब दोस्तों यहां पे देखो एन सी एन माइनस टू इक्वल टू टेन अब दोस्तों यहां पे देखो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूं हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों एन सी आर मतलब यहां पे हम क्या बोलते हैं एन फैक्टोरियल बाद में हम क्या बोलते हैं दोस्तों आर आर की जगह पे दोस्तों क्या आया एन माइनस टू तो यहां पे क्या है आर फैक्टोरियल अब दोस्तों उसके बाद हमारा क्या आता है एन माइनस आर याद है आपको इसके बाद हम क्या लिखते हैं तो यहां पे एन माइनस आर क्या है दोस्तों एन माइनस टू है और दोस्तों यहाँ पे यह ब्रैकेट रखना क्योंकि ये माइनस साइन है फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू टेन तो इस तरह से मैंने यहां पे यही फॉर्मूला पीछे वाला अप्लाई किया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये कैसे सॉल्व होगा प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है आपको देखो ये एन फैक्टोरियल है ये एन माइनस टू फैक्टोरियल है दोस्तों और ये दोस्तों एन माइनस एन और यहाँ पे माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस टू फैक्टोरियल अब मैं आगे इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये देखो ये माइनस एन प्लस एन माइनस एन हो गया तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एन फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है एन माइनस टू फैक्टोरियल और यहाँ पे अगर हम देखें तो टू फैक्टोरियल आंसर है और यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों जैसे अगर आपको पता ही अगर समझो मैंने यहाँ पे नाइन फैक्टोरियल लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा नाइन मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय सेवन अपू मैं वन तक जाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एन फैक्टोरियल है जो जैसे वहां पे नाइन फैक्टोरियल था तो हमने पहले नाइन लिखा तो वैसे यहाँ पे हम पहले एन लिखेंगे फिर हम वन कम करेंगे तो मतलब वन कम करोगे तो एन माइनस वन फिर हम और वन कम करेंगे तो एन माइनस टू अब देखो नीचे वाला नंबर सेम मिल गया पर वन नहीं मिला वन मिला होता तो हम डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं लिखते पर वन नहीं मिलेगा तो फैक्टोरियल आपको लिखना होगा यहां पे भी क्या है एन माइनस टू यहां पे भी क्या है फैक्टोरियल यहां पे क्या है टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल मतलब टू होगा तो डायरेक्ट मैं टू यहां पे मल्टीप्लाई करके इसको ट्वेंटी बना दे रहा हूं अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करते हो तो ये दोनों कैंसिल तो यहाँ पे एन यहाँ पे एन माइनस वन और यहाँ पे दोस्तों ट्वेंटी तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन और ये माइनस ट्वेंटी यहां पे लूंगा इक्वल टू जीरो ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों देखो एन यहाँ पे क्या होगा माइनस यहाँ पे एन माइनस माइनस क्या, क्या होगा दोस्तों प्लस विच इज इक्वल टू जीरो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी आना चाहिए और यहाँ पे माइनस साइन है मतलब माइनस करके दोस्तों यहाँ पे वन है तो वन आना चाहिए तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों तो फाइव ऊर्जा तो फाइनली एन माइनस अगर मैं फाइव लिखूंगा इक्वल टू जीरो और एन प्लस फोर बिच इज इक्वल टू देन जीरोक्वल टू माइनस फोर तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखू तो एन का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो एन इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर एन बिच इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ पे हमें ये आंसर मिल गया तो जस्ट ये बेसिक क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो लगभग कॉम्बिनेशन का पार्ट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया कमिटी ऑफ फाइव पीपल मतलब कमिटी में कितने लोग हैं दोस्तों यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कमिटी ऑफ कितने पीपल पीपल फाइव मतलब पांच लोग की कमिटी बनने वाली है दोस्तों कमिटी ऑफ फाइव पीपल इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फोर मैन मैन कितने हैं दोस्तों देखो एम ई एन मैन कितने है? हैं फोर एंड दोस्तों इसके बाद विमेन जो है दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों वीमेन सेवन है तो यहां पे देखो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं फोर मैन है और सेवन वीमेन है अब दोस्तों हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज कैन बी फॉर्म इफ एटलीस्ट थ्री वीमेन आर टू आर ऑन कमिटी मतलब एटलीस्ट थ्री वीमेन मतलब कि यहां पे अब देखो यहां पे लिखा है कि हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज अब कमिटीज कितनी फॉर्म होगी और उसमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए दोस्तों थ्री वीमेन होना चाहिए अब देखो यहां पे नंबर ऑफ कमिटीज विच इज इक्वल टू अब देखो दोस्तों यहां पे कितने कॉम्बिनेशन यहां पे तैयार होंगे ध्यान से देखना देखो यहां पे यहां पे एक मेल है और एक क्या है दोस्तों फीमेल है मतलब मेल और वीमेन है उनसे हमें कमिटी तैयार करना है कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए फाइल होने चाहिए उन्होंने बोला है एटलीस्ट थ्री वीमेन तो होना ही चाहिए ऐसे कितने कमिटी फॉर्म होंगे तो दोस्तों यहां पे देखो मैं थ्री लिख दे रहा हूं थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूं समझो ये फीमेल की कमिटी है तो थ्री मैं लिख दे रहा हूं कम से कम तीन तो चाहिए और आपको पता है कि ये तीन है तो हमें उन्होंने बोला है कि कमिटी में कितने मेंबर्स होने चाहिए फाइव तो दोस्तों बचे कितने तो दो पर उन्होंने एक कंडीशन हमें दे दिया कि तीन महिलाएं तो होनी चाहिए तो हमने तीन महिलाएं लिया और उन्होंने एक और कंडीशन दिया कि पांच लोगों का ग्रुप बनना चाहिए तो अब कितने बचे दो तो एक कमिटी हमने तैयार कर दी अब दोस्तों यहां पे देखो हम प्लस ले लेंगे अब दोस्तों यहां पे हाँ एक और चीज कि हमारे पास टोटल जो यहां पे हम जितने अगर समझो हम वीमेन ले रहे हैं हम टोटल कितने वीमेन ले रहे हैं थ्री तो हमारे टोटल वीमेन कितनी है तो सेवन है तो सेवन में से अपने को तीन सिलेक्ट करना है और हमारे पास मेल कितने हैं दोस्तों फोर है तो उसमें से हमें फोर मैन में से टू मैन सिलेक्ट करना है फिर से अब दोस्तों यहां पे एटलीस्ट बोला है तो ये सम और आगे जाएगा अब हो सकता है कि कोई हो सकता है कहीं कहीं पे यहां पे हमने तीन फीमेल लिया हो सकता है कि मैं चार भी फीमेल लू क्योंकि एटलीस्ट थ्री मतलब कम से कम तीन तो चाहिए चार होगा चलेगा पांच होगा चलेगा कम नहीं होना चाहिए तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं थ्री से ज्यादा क्या होता है फोर और अगर समझो मैं फोर महिलाओं को ले लिया तो कमिटी कितने लोगों से फॉर्म होने वाली फाइव फाइव लोगों से फॉर्म होगी तो यहां पर मुझे एक मेल को लेना ही पड़ेगा ग्रुप पूरा तैयार करने के लिए अब ये कितने लोगों में से मैं ले रहा हूं सेवन लोगों में से मैं फोर को सिलेक्ट कर रहा हूं इसलिए ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है यहां से मैं कितने लोग हैं दोस्तों फोर मेल है उसमें से मैं वन को सिलेक्ट कर रहा हूं अभी भी मैं और आगे जा सकता हूं देखो यहां पे कमिटी में क्या बोला है कि एटलीस्ट थ्री वीमेन होनी चाहिए थ्री वाला मैंने लिया एटलीस्ट थ्री बोला है तो मैं कम से कम थ्री चाहिए तो चार भी ले सकता हूं चार भी हो गया मैं पांच भी ले सकता हूं ऐसा नहीं बोला है कि मेल चाहिए ही। उन्होंने क्या बोला कि बस वीमेन के लिए कंडीशन दिया गया एटलीस्ट वीमेन तो हमने पांचों के पांचों वीमेन ही ले लिया तो मेल कितने आ जाएंगे एक भी नहीं आएंगे मतलब जीरो। क्योंकि पांच लोग से ज्यादा कमिटी बननी नहीं चाहिए तो पे कितने लोगों में से सिलेक्ट होगा सेवन और ये मेल कितने लोगों में से फोर अब दोस्तों इसके आगे मैं क्यों नहीं जा रहा हूं ये भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो दोस्तों अगर मैंने सिक्स वीमेन ले लिया तो एक रूल ब्रेक हो जाएगा क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि कमिटी ऑफ फाइव पीपल इज टू बी फॉर्म बस पांच लोगों का ही बनना चाहिए तो इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने चीजों को बता दिया है अब इसे आपको सॉल्व करना है देखो आप सॉल्व कैसे करोगे देखो सेवन मल्टीप्लाय बाय थ्री स्टेप जाना है आपको सेवन मल्टीप्लाय बाय सिक्स मल्टीप्लाय बाय फाइव यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन मल्टीप्लाय बाय टू बाय थ्री यहां पर क्या करोगे दोस्तों फोर मल्टीप्लाय बाय थ्री वन बाय टू प्लस यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों सेवन मल्टीप्लाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाईर यहाँ पे एक्चुअली एक रूल है माइनस करके इसको छोटा कर सकते हैं पर मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर यहाँ पे 4, देखो फोर सी वन का आंसर डायरेक्ट फोर आएगा ये याद रखना और फोर सी जीरो का आंसर वन आएगा ये हमेशा याद होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो सेवन मल्टीप्लाय यह भी अब रूल वाइज तो जल्दी सॉल्व हो जाता पर जाने दो सेवन वैसे ही करो आप फाइव स्टेप जाओ सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री अब फाइव स्टेप्स गए और यहाँ पे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अब ओवरऑल सभी चीज़ों को अपना प्यारा कैल्सी बहुत महंगा करता हूं मैं भी कैल्सी का हेल्प लूंगा अब देखो चाहिए तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल करना तो कैंसिल भी कर सकते हो देखो ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया ये देखो टू वन जा टू टू जा फोर ये फोर कैंसिल हो गया तो फाइनली कितना बचा दोस्तों सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाई टू टेन अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये फोर और ये फोर कैंसिल हो गया ये देखो ये थ्री टू जहाँ सिक्स होता है ये सिक्स कैंसल हो गया तो फाइनली क्या बचा सेवन मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर तो यहाँ पे वन फोर्टी लास्ट वाला देखते हैं दोस्तों देखो ये फाई फाई कैंसल थ्री थ्री कैंसल फोर फोर कैंसिल ये थ्री तो सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन यहाँ पे ट्वेंटी वन फाइनली अगर मैं इसे प्रूफ प्लस करूंगा तो टू वन टेन प्लस वन फोर्टी प्लस ट्वेंटी वन तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों थ्री सेवेंटी वन मतलब थ्री सेवेंटी वन कमिटीज़ क्या होगी दोस्तों फॉर्म होगी तो इस तरह से बहुत ही आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो चलो चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं अब दोस्तों यहां पे हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी हमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जरूर आ, हमें बहुत आइडिया आ जाएगा इस टॉपिक का और ऑलरेडी हमने प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं अब देखो यहां पे क्या लिखा है हाउ मेनी लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेंट टू डिफरेंट लेटर्स मतलब दोस्तों देखो लाइसेंस प्लेट के अंदर यहाँ पे टू डिफरेंट लेटर्स हैं पहले डायग्राम समझो यहाँ पे लेटर्स का है ये ये क्या है दोस्तों लेटर है। पर कैसे होने चाहिए दोस्तों डिफरेंट ये प्लीज याद रखना मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए फॉलो बाय मतलब इसी के आगे दोस्तों डिजिट आ जाएगा तो यहाँ पे फॉलो बाय थ्री डिफरेंट डिजिट कितने डिजिट बोले हैं दोस्तों थ्री डिफरेंट डिजिट और सिक्स मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों और थ्री डिफरेंट ये वर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों डिफरेंट डिजिट्स digit. भी कितने हैं ऐसे आप अपने एग्जाम में डायग्राम बना भी सकते हो अब दोस्तों यहां पे सॉल्व द द प्रॉब्लम इफ फर्स्ट डिजिट कैन कैन नॉट बी जीरो मतलब ये वाला जो है यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए बाकी आप कुछ भी ले सकते हो मतलब फर्स्ट डिजिट आपको जीरो नहीं लेना है बाकी आप कुछ भी लो अब दोस्तों यहां पर आपको याद है अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूं लेटर लेटर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर से फर्स्ट पोजीशन अगर मैं सिलेक्ट करूंगा फर्स्ट पोजीशन तो फर्स्ट पोजीशन अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो टोटल जो लेटर कितने हैं दोस्तों ए टू जेड में ट्वेंटी सिक्स लेटर है उसमें से बस मुझे एक ही लेटर लेना है और फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों ट्वेंटी सिक्स सेम अगर मुझे लेटर में सेकेंड पोजिशन लेना है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि फिर से मैं कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करूंगा मैं यहां पे टोटल अब देखो यहां पे बोला है डिफरेंट लेटर मतलब जो लेटर यहां पे यूज हो गया वो आना नहीं चाहिए तो मतलब 26 लेटर थे ए टू जेड में से एक तो यूज हो गया मतलब बच्चे कितने दोस्तों ट्वेंटी उसमें से हमें एक लेना है तो फाइनली ट्वेंटी फाइव सी का आंसर क्या आएगा ट्वेंटी अब दोस्तों यहाँ पे अब मैं लेटर का काम हो गया है अब इस तरह से अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो डिजिट्स अब अगर आप बात करो जो फर्स्ट डिजिट है डिजिट जो है वो कैसा है दोस्तों नॉन जीरो ये याद रखना नॉन जीरो है तो दोस्तों आपको पता है कि इस दुनिया में, से सभी नंबर्स तैयार होते हैं जिसमें से जीरो कैंसिल हो गया है तो बचे कितने नाइन नंबर्स तो दोस्तों नाइन नंबर्स में से मुझे क्या सिलेक्ट करना है कोई भी एक नंबर्स तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा नाइन अब दोस्तों यहां पे देखो मुझे अब सेकेंड डिजिट सिलेक्ट करना है सेकेंड डिजिट सेकेंड डिजिट जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसके लिए कोई कंडीशन इन्होंने नहीं बोला है कि नॉन जीरो होना चाहिए कि क्या होना चाहिए बट एक चीज याद रखो कि अब जीरो भी चल जाएगा मतलब मेरे पास टोटल टेन दि, टेन डिजिट है पर उसमें से ऑलरेडी मैंने एक यूज कर लिया ना क्योंकि डिफरेंट बोला हाँ अगर डिफरेंट नहीं बोला होता तो मैं यहाँ पे टेन लेता तो यहां पे मुझे पता है कि मेरे पास अब तो एक मैंने यूज कर लिया तो यहां पे नाइन होगा और उसमें से मुझे क्या करना है एक ही लेना है तो फाइनली यहाँ पे भी नाइन ना आएगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ दोस्तों अब देखो मैं थर्ड ले रहा हूँ थर्ड डिजिट थर्ड डिजिट अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो देखो यहाँ पे सी लिख रहा हूँ अब दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दो डिजिट इसमें से यूज कर लिया है तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए टोटल यहाँ पे टेन नंबर्स है अब मैं जीरो यहाँ पे ले सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो टोटल टेन है उसमें से दो मैंने यूज कर लिया है तो बचे कितने दोस्तों एट तो यहाँ पे फाइनली कितने आएंगे एट अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं इन्होंने क्या पूछा है कि हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड अब यहां पे कितने सारे लाइसेंस प्लेट बन सकते हैं तो नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट विच इज इक्वल टू सभी को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर सपोज ये आधा है ये लेने से काम नहीं होगा ये ऐसा नहीं कि ये अलग केस है यह अलग केस है ऐसा कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है? को क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नंबर प्लेट बना रहा है, हमारा क्या हो रहा है? हो रहा है. क्योंकि यहां से, ये भी ये भी तो यहां से ही हमारा नंबर प्लेट तैयार होगा तो सभी मल्टीप्लाई होंगे तो दोस्तों यहां पे नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय एट विच इज इक्वल टू तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहां पर ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बायल सॉरी फोर लैक ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड इतने नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होंगे दोस्तों तैयार होंगे चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब दोस्तों इसके बाद भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं जरूर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा मेरे से मेरे बारे में बहुत अच्छा आप सोचोगे कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए सर मतलब समझ जाओ आपके दोस्ती हूं मैं अब दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम टेन प्रोग्राम प्रोग्रामर्स इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव बी सिलेक्टेड वेन फर्स्ट क्या लिखा है दोस्तों अ पर्टिकुलर प्रोग्रामर इज इंक्लूडेड एवरी टाइम अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझ जाना है कि कितने प्रोग्रामर हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब यहां पे केस वन है दोस्तों इसमें क्या है कि अ पर्टिकुलर प्रोग्रामर ए पर्टिकुलर प्रोग्रामर इज इंक्लूडेड क्या लिखा है दोस्तों एवरी टाइम बोल रहे हैं कि एक जो प्रोग्रामर है टोटल दस लोग हैं उसमें से एक प्रोग्रामर को दस लोग में से हमें कितने लोग सिलेक्ट करना है दोस्तों फाइव को आपको पता है देखो टेन प्रोग्रामर इज इन हाउ मेनी कैन वेन बी सिलेक्टेड जिसमें में से दोस्तों एक किसी का खास आदमी होगा तो उसको पहले से ही सिलेक्ट कर लिया गया तो इसको सिलेक्ट कर लिया गया तो मतलब अब जो सिलेक्शन का जो टास्क है दोस्तों तो वही लिखा है कि अब पर्टिकुलर प्रोग्रामर इज इंक्लूडेड एवरी टाइम मतलब एक को तो पहले से ही सिलेक्ट कर लिया गया है तो दोस्तों आपको सिलेक्ट कितने लोग को करना है फाइव को तो जिसमें से एक को तो उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया है तो दोस्तों आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप कितने को सिलेक्ट करोगे आपके पास बचे कितने हैं दोस्तों 9. तो बस 9 में से आपको कितने को करना है 4. क्योंकि पहले से ही बता दिया जाएगा भाई हमने एक को सिलेक्ट कर लिया बस आप पांच ही लोग को लेकर आना है तो आप चार ही बस लेकर आना क्योंकि ऑलरेडी एक सिलेक्ट हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करने आएगा नाइन मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर अब देखो ये अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये देखो फोर टू जा एट और ये एट कैंसिल हो जाएगा एंड थ्री टू जा तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास महंगी वाली कैलसी है नाइन मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय टू विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों वन ट्वेंटी सिक्स अगर मैं अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कंडीशन यहाँ पे दिया है कंडीशन नंबर सेकेंड प्लीज मैं पूरा का पूरा लाइन नहीं लिख रहा हूं आप समझो आपका वीडियो बड़ा ना हो अ पर्टिकुलर प्रोग्रामर इज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल टाइम दोस्तों अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सीन चेंज हो जाएगा समझो कोई कंपनी है जहां पे किसी बंदे से क्रॉस है तो बोला जाएगा इस बंदे को तो लेना ही नहीं है तो एक बंदे को तो पहले ही क्राइटेरिया से हटा दिया गया है मतलब बता दिया गया कि इसको देखो यहां पे क्या लिखा है कि

कंफर्म था तो बस अब बच्चे जितने उसमें से बस चार ही लेना है पर यहां क्या बोल दिया है कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर इज नॉट इंक्लूडेड मतलब एक को बोल दिया है कि ये वाले को लेना ही नहीं है तो अब आप बच्चे आपका सिलेक्शन कितने में से होगा दोस्तों नाइन में से फाइव का होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप सोल्व कर लोगे देखो सोल्व करना तो मैंने सीखा है क्या आएगा नाइन मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव और यहाँ पे क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया अब देखो ये फाइव फाइव कैंसिल हो गया ये फोर और एट से ये एट फोर और टू से ये एट कैंसिल हो गया एंड थ्री टूजा तो फाइनली नाइन मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय टू विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी क्या बात है दोनों से ही आंसर वन ट्वेंटी सिक्स आ रहा है नाइन एट कितने स्टेप्स में गया सेवन सिक्स फाइव और वन से फाइव हाँ क्योंकि इसमें नाइन सी फाइव से नाइन सी फोर ही आएगा तो दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है चलो चलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व अब दोस्तों पे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर और सोल्व करने की कोशिश करते हैं अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है आउट ऑफ फाइव मेल्स एंड सिक्स फीमेल अब दोस्तों यहाँ पे मेल कितने हैं फाइव हैं और फीमेल कितने हैं दोस्तों सिक्स है देखो अच्छे से ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन इसके बाद एक क्वेश्चन अगर मैं और कराऊंगा तो आपका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा अब कमिटी ऑफ फाइ हमें कमिटी में कितने लोगों को इंक्लूड करना है दोस्तों कमिटी में कितने लोग को इंक्लूड करना है फाय की कमिटी बनाना है फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच इट कैन बी फॉर्म सो दैट अमोंग दर्सन इन द कमिटी देयर आर हाँ देखो पहला कंडीशन इन्होंने दिया है फर्स्ट कंडीशन देखो पहला कंडीशन आई थिंक सेकंड कंडीशन प्रिंट भी नहीं हुआ है पहला कंडीशन है दोस्तों परफेक्टली इन्हों, इन्होंने क्या बोला है कि चाहिए चाहिए और एंड फीमेल तो इन लोग बोल रहे हैं कितने फॉर्म फॉर्म होंगे इसके अकॉर्डिंग तो बहुत इजी है इन्होंने अगर यहां पे बोल दिया कि एग्जैक्ट हमें इतना ही चाहिए तो दोस्तों इसका आंसर कैसे आप निकालोगे देखो यहाँ पे ये यह सी है यहाँ पे भी ये सी है अब देखो दोनों से कमिटी जो है दोनों से तैयार हो रही है तो देखो बीच में एंड है तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा जैसे हमने पहले ही किया है अब यहाँ पे टोटल मेल कितने हैं हमें पता है कि टोटल मेल कितने हैं दोस्तों फाइव और टोटल फीमेल कितने हैं दोस्तों सिक्स हैं अब दोस्तों मुझे मेल में से इन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने बोला है कि बस थ्री लेना है तो यहाँ पे मैं थ्री लूंगा और यहाँ से इन्होंने फीमेल में बोला है कि भाई परफेक्टली आप टू ही लेना तो टू लिया और अगर मैं देखूँ तो थ्री और टू मिला के फाइव बन भी जा रहे तो जस्ट हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो इधर को इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री यहाँ पे आप कैसे करोगे दोस्तों सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाय टू अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों हम देखते हैं देखो सबसे पहले इसमें से क्या कैंसिल हो सकता है देखो थ्री टू जो सिक्स ये सिक्स कैंसिल हो गया टू वन सा टू टू झा तो फाइनली अगर हम देखें तो फाइव मल्टीप्लाय बाय टू मल्टीप्लाय बाय थ्री मल्टीप्लाय बाय फाइव तो दोस्तों तो ऐसे so, कितने कमिटी बनेंगे दोस्तों वन फिफ्टी अब दोस्तों यहाँ पे आगे का मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बुक से शायद uh, प्रिंट करना भूल गए क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन है न, और वही क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं यहाँ ही पे लिख दे रहा हूँ उन्होंने एक और क्वेश्चन क्या पूछा है एटलीस्ट टू मेल एंड वन फीमेल अब दोस्तों एटलीस्ट वन मेल एंड टू फीमेल बोला है तो ये आपको एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में आपको पता कि प्लस प्लस होते जाएगा हमने किया है तो दोस्तों यहां पे देखो पहला एक ग्रुप में तैयार कर रहा हूं आपको पता है कि हमारे ग्रुप में हमें एक नंबर पता है कि हमें मेल कितने हैं दोस्तों, हैं दोस्तों और फीमेल कितने हैं हैं और इन्होंने एक कंडीशन दिया है कि एटलीस्ट मेल होने ही चाहिए तो दोस्तों अगर समझो मैंने दो कम से कम दो मेल अगर मैंने सिलेक्ट कर दिए कमिटी बनाना किससे है कमिटी दोस्तों फाइव लोगों से बनने वाला है तो बच्चे कितने अगर मैंने दो ले लिया तो बच्चे कितने दोस्तों तीन बच्चे पर मे फीमेल के लिए भी कंडीशन है फीमेल के लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट वन फीमेल तो होनी चाहिए तो वन से ज्यादा भी चलेगा तो यहाँ पे टू है तो फाइव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा थ्री एक ये ग्रुप बन गया अब मैंने क्या बोला एटलीस्ट जब ये भी एटलीस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो प्लस होते जाएगा अब दूसरा एक ग्रुप तैयार हो रहा है अब देखो दूसरे ग्रुप में फिर से वही क्राइटेरिया है कि हमारे पास इसमें फाइव है यहाँ पे टोटल सिक्स है अब दोस्तों यहाँ पे फिर से अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट टू मेल बोला था तो मैं दो से ज्यादा भी ले सकता हूं तो मैं यहाँ पे अब मेल कितना ले ले रहा हूँ थ्री अगर मैंने थ्री मेल ले लिया मुझे कमिटी कितने लोगों की फॉर्म करनी है फाइव की तो बचे कितने टू के और ये मेरा ये कंडीशन भी फीमेल का भी मैच हो गया है क्या बोला है वन फीमेल एटलीस्ट होनी चाहिए तो वन से ज्यादा ही है अब दोस्तों यहां पे तीसरा अब देखो यहां पे आप प्लीज ध्यान से अच्छे से समझते जाना क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से इधर उधर ध्यान मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अब देखो उन्होंने बोला एटलीस्ट टू मेल मैंने टू लिया फिर मैंने दो से ज्यादा भी ले लिया दो एटलीस्ट टू मतलब कम से कम तो दो होना ही चाहिए दो से ज्यादा चलेगा थ्री भी चलेगा फोर भी चलेगा दोस्तों मैं फोर ले रहा हूं कितने लोग हमारे पास हैं मेल में कितने हैं दोस्तों फाइव एंड फीमेल में कितने हैं सिक्स अब दोस्तों मैंने ये फोर ले लिया तो मेरा फीमेल का नंबर कितना आएगा दोस्तों अब बच्चा कितना कमिटी मेंबर बनाने के लिए फाइव बनाना है तो फोर है तो यहां पे वन ही लेना पड़ेगा अब सपोज कोई बोला नहीं नहीं आगे और चलते हैं ये सिक्स है यहां फीमेल में फाइव ले ले रहा हूं ले सकते हो फाइव यहां पे सॉरी यहां पे मेल जो है फाइव है मैं वो फाइव के फाइव मेल ले ले रहा हूं पर यहां पे आप इसमें फंसने वाले हो दोस्तों फीमेल में अब यहां पे अगर आपने कमिटी में पांच के पांच अगर आपने यहां पे क्या कर दिया अगर समझो पांच के पांच आपने मेल ले लिया तो फीमेल आपको यहां पे क्योंकि कमिटी पांच से ही फॉर्म होने वाली तो फीमेल आपको यहां पे जीरो करना होगा और ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वन मेल तो चाहिए वन फीमेल तो चाहिए ही तो इसलिए अब आगे मैं जा सकता हूं क्या नहीं जा सकता तो आपको पता होना चाहिए कि कहां तक आप अपने सम को सॉल्व कर सकते हो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखाया है ये सॉल्व करो ये सॉल्व करो पीछे कराया हूं ये सॉल्व करो सिक्स सी वन का आंसर सिक्स आएगा और फाइनली मुझे बताओ कि आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है सभी को प्लस करके तो ये काम मैं आपको दे रहा हूं लास्ट एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कॉम्बिनेशन का टेंशन खत्म चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है हमारी टीम ने फिर से एक क्वेश्चन लिखना बाकी रह गया था तो आपका टाइम ना जाए वीडियो में मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैंने फिर से लिख दिया और ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अ क्लब हैज 25 मेंबर्स क्लब के पास कितने मेंबर्स में दोस्तों ट्वेंटी फाइव मेंबर्स तो यहाँ पे देखो अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का बहुत ही अच्छे से अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज फोर मेंबर्स ऑफ द क्लब टू फॉ ऑन एन एग्जीक्यूटिव कमिटी तो दोस्तों यहाँ पे इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा हमें कितने मेंबर्स का कर सिलेक्ट करना है फोर मेंबर्स हमारे क्लब में कितने मेंबर्स हैं दोस्तों ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव में से हमें क्या करना है फोर मेंबर्स लेना है तो इसका आंसर आप बहुत इजी निकाल लोगे देखो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू और नीचे क्या आएगा दोस्तों वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर अगर आप इसे अपने प्यारे के से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आप आंसर आ जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू नीचे 1, 2, 3, 4. तो आंसर कितना आएगा कितने वे से आंसर आएगा दोस्तों ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स फिफ्टी वे से हम क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है बहुत जोरदार क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज द पर्ट प्रेसिडेंट अ प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट चूज करना है एक वाइस प्रेसिडेंट चूज करना है सेक्रेटरी करना है ट्रेजर करना है ऑफ द क्लब वेर नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन वन ऑफिस मतलब कि एक पर्सन के हाथ में एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए अगर दोस्तों मुझे अगर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना है अगर समझो एक प्रेसिडेंट चाहिए एक उसके बाद क्या चाहिए मुझे वाइस प्रेसिडेंट देन सेक्रेटरी चाहिए और ट्रेजर चाहिए तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास मेंबर्स कितने हैं ट्वेंटी फाइव तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा दोस्तों यहां पे आप एक एक लाइन लिखना तो प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड 25 में से एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा अब दोस्तों यहां पे क्या बोला है कि वन पर्सन जो है कैन नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस तो वहां पे देखो वेयर नो पर्सन कैन होल्ड मतलब कि एक से एक person, एक पर्सन से ज्यादा ऑफिस नहीं ले सकता तो दोस्तों यहाँ पे 25 में से एक मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मेंबर क्लब में कितने मेंबर्स बचे 24 क्योंकि एक प्रेसिडेंट तो बन गया है अब 24 में से एक को मैं देखो ये पहला वाला प्रेसिडेंट बन गया अब मुझे इसे वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करना है तो अब ट्वेंटी लोग बचे उसमें से एक करूंगा फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों सेक्रेटरी का करना है तो अब दो लोग सिलेक्ट हो गए तो अब ट्वेंटी में से एक करूंगा और दोस्तों इसके बाद ट्रेजर के लिए भी 22 बचे उसमें से भी एक करूंगा तो इस तरह से आप एक एक लाइन लिख सकते हो कि प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 24 देन इसके बाद पर्सन देन इसके बाद हम क्या करेंगे सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स ऐसे फोर लाइन आप लिखो देन इसके बाद नंबर ऑफ वेज लिखोगे देखो ट्वेंटी फाइव का आंसर क्या आएगा ट्वेंटी इसका क्या आएगा ट्वेंटी इसका क्या आएगा ट्वेंटी और इस तरह से आप डायग्राम्स भी बना सकते हो अच्छा दिखेगा एंड ट्वेंटी और जो भी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछा है वही आपको लिखना है फाइनली सभी को मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू तो फाइनली आंसर कितना दोस्तों थ्री जीरो डबल जीरो थ्री जीरो थ्री सिक्स डबल जीरो इतने बेस से हम क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉम्बिनेशन का पार्ट कवर करा दिया है अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का पार्ट कवर करेंगे तो जितना हो सके उतना आप वीडियोज को शेयर करो जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा जरूर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आऊंगा बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जय हिंद दोस्तों